Hi guys, welcome to Smart Networking Classes Channel 2021. आज का हमारा टॉपिक है कैन. बहुत अच्छा यूज है, बहुत गजब का यूज है. इसमें हम आपको विस्तार से समझाने का कोशिश करेंगे. आप भी वीडियो को अंत तक देखने का कोशिश करिएगा और कोई व्यक्ति पढ़ने वाला स्टूडेंट है उस पर शेयर कर दीजिए. आज का जमाना है व्हाट्सएप फेसबुक है ही, आप किसी भी पर चैनल इंस्टाग्राम भी है उस पर आप शेयर कर अपने मित्रों के पास भेज सकते हैं. देखिए मेरे मित्रों, आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ कैन. यूज ऑफ कैन. मेरे प्यारे मित्रों, इसका मूल हिंदी तो सकना होता है. इसका मूल हिंदी सकना होता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक. इसका मूल हिंदी सकना होता है, ठीक. इसका आइडेंटिफिकेशन समझ लीजिए कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है. देख लीजिए आइडेंटिफिकेशन, सत्ता हूँ सकते हैं, सत्ता है, शक्ति है. मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर किसी व्यक्ति, मान लीजिए आप हैं, मैं जा सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह वीडियो देख सकता हूँ, मैं यह वीडियो को जैसे सब्सक्राइब कर सकता हूँ. ये देखिए शक्ति, कर सकता हूँ. जब किसी व्यक्ति शक्ति फ्रेशर का ये सब प्रयोग किया जाता है तब हम यहाँ पर कैन का प्रयोग करते हैं. और सुनिएगा मित्रों, जब कोई व्यक्ति अपना क्षमता दिखाता है, क्षमता मतलब जानते हैं, मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह चीज उठा सकता हूँ, मैं आपको मार सकता हूँ, मतलब क्षमता दिखा है. क्षमता मतलब ये काम कर सकता हूँ, यह काम उठा सकता हूँ, ये सब क्षमता का प्रयोग हो रहा है. और मेरे मित्रों, शक्ति का बता ही दिए, शक्ति मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ये सब शक्ति का प्रयोग हो गया है. और मेरे मित्रों, योग्यता, इसका प्रयोग योग्यता भी किया जाता है. और मेरे मित्रों, परमिशन, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए. देख लीजिए क्षमता के लिए, ठीक मेरे प्यारे मित्रों, क्षमता के लिए, और शक्ति के लिए, मेरे प्यारे मित्रों शक्ति के लिए, और है योग्यता के लिए और मेरे प्यारे मित्रों है परमिशन देने आवरी लेने के लिए, देने आवरी लेने के लिए, मतलब परमिशन लेने के लिए जाते हैं. तुम जा सकते हो, तुम पढ़ सकते हो. मैं अंदर आऊं सर, मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ, ये सब परमिशन देने और देने के लिए प्रयोग होता है. और क्या है मेरे मित्रों, जिसे अभाव, किसी का मतलब जिसे स्वभाव प्रकट करने के लिए, क्या स्वभाव, यहां समझ लीजिए, ठीक मेरे प्यार मित्रों, यही देख लीजिए थोड़ा सा स्वभाव व आदत प्रकट करने के लिए. मेरे प्यारे मित्रों, कैन बहुत जरूरी है इंग्लिश बोलने में. ये अंग्रेजी बोलने में हमें लगता है मैक्सिमम
35% लाते हैं, 35% जो होता है ना, 35% होता है अंग्रेजी बोलने में 35% कैन कैन अपना भूमिका निभाता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये हाईलाइट है, इसको मेन में रखिएगा, ठीक। आप समझ गए होंगे, 35% अंग्रेजी बोलने में कैन भूमिका निभाता है। कहां कहां जानते हैं, सकता हूं, सकती है, मेन इसका होता है सकना होता है, ये मेन अर्थ इसका सकना होता है। और कहां कहां प्रयोग होता है, क्षमता व्यक्त करने के लिए, क्षमता व्यक्त करने के लिए, मैं काम कर सकता हूं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, ये सब मतलब इसे क्षमता व्यक्त करें। और शक्ति का, शक्ति का जानते हैं, जिसे मैं तुम्हें मार सकता हूं, शक्ति दिखा रहे, मैं तुम्हें मार सकता हूं, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूं, मैं तुम्हें बता सकता हूं, ये सब मुझे, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, मैं तुम्हें बता सकता हूं, ये क्या है, शक्ति है, योग्यता। मैं तुम्हें बता सकता हूं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, ये क्या है, योग्यता है। और मेरे प्यारे मित्रों, परमिशन ले रहे हो देने के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, सच्ची परमिशन ले रहे हैं ना, परमिशन कहीं दी जाए, क्या मैं जा सकता हूं भाई जी, क्या मैं अंदर आऊं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, ये सब क्या है परमिशन, क्या मैं अपना मोबाइल चला सकता हूं। किसी भी व्यक्ति से परमिशन लेने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, परमिशन ले लेते हैं, तुम बाहर जा सकते हो, तुम किताब पढ़ सकते हो, तुम मुझे छू सकते हो, मैं तुम्हें मार सकता हूं, मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूं, मतलब परमिशन देने के लिए, मतलब तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम खेल सकते हो, परमिशन दे रहे हैं ना, तुम खेल सकते हो, तुम पढ़ा सकते हो, ये सब परमिशन देने के। और अपना स्वभाव और आदत प्रकट करने के लिए, आदत प्रकट करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। इतना आप नोट कर लीजिए, हो गया मेरे प्यारे मित्रों, नोट कर लीजिए, ये मेन चीज है, इतना आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, भूमिका निभाता है, ठीक, इसके हिसाब मान लीजिए, हो गया। चलिए अब हम क्या बताएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, सोच लीजिए, इतना पर, इतना पर, 35% ये भूमिका निभाता है अंग्रेजी बोलने में कैन, इतना ध्यान लीजिए मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, बहुत जरूरी है कैन का भी यूज करना। और जो व्यक्ति पढ़ रहा है, जो लड़का पढ़ रहा है आपके घर में, आपके पड़ोसी में, आपके रिश्तेदार में, कोई भी व्यक्ति हो, आपके क्लासमेट हैं, कोई भी है व्यक्ति है, लेडीज है, कोई भी व्यक्ति, उसको आप शेयर कर सकते हैं, वही सब बता दीजिए, कैन का प्रयोग कहाँ होता है, कैन कितना जरूरी है अंग्रेजी बोलने में, ठीक। हम आते हैं अब एग्जाम्पल पर, वो स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ठीक, स्ट्रक्चर भी सुधार सूत्र, सूत्र या संरचना, मेरे प्यार मित्र को इसका सूत्र या संरचना होता है, पहला होता है पॉजिटिव में, देखिए S T R U C K U R E, स्ट्रक्चर पहला होता है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में सकारात्मक, सब्जेक्ट कैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी या अदर वर्ब, जब का यूज है मेरे प्यारे मित्रों विस्तार से देखिएगा, सब्जेक्ट कैन नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी, इंट्रोगेटिव है प्लस पॉजिटिव, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है मेरे प्यारे मित्रों, कैन सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव प्लस पॉजिटिव में क्वेश्चन, कैन सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी, ठीक, क्वेश्चन
इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव का है, क्वेश्चन वर्ब कैन, सब्जेक्ट ना, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटी सी। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो स्ट्रक्चर लिखवाए हैं इसी के अनुसार, ये छह स्ट्रक्चर है इसी के अनुसार हम एग्जांपल आपको समझाने का कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे वीडियो को अंत तक देखने का। और कोई भी समस्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इतना हो गया, नोट कर लीजिए, हम कोशिश करेंगे एग्जांपल बताने का। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करिए। देखिए इंग्लिश में बहुत जरूरी है सीखना, आज इंग्लिश नहीं जानते हैं, देख लीजिए अंग्रेजी इतना जमाना चला है ना कि आप हॉस्पिटल में कहीं भी ट्रेन स्टेशन कहीं भी जाते हैं, शहर में चले जाइए, शहर का गांव का ही बात कर लीजिए, एक छोटा सा बच्चा कहता है गुड मॉर्निंग गुड नाइट, सब अंग्रेजी ही बोल रहा है, वही चीज़ है बताया जा रहा है यहाँ पर। कोशिश करिए पूरा अंत तक देखने का वीडियो, ठीक एग्जाम्पल समझ लीजिए। क्या मित्रों, मैं पढ़ सकता, अब देखिए यहाँ योग्यता की बात हो रही है, योग्यता बताया गया था लिखा गया ना योग्यता, यहाँ योग्यता की बात कर रही, मैं पढ़ सकता हूँ मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक आई आई अब कैन लिखेंगे, आई कैन अब रीड लगा देना, बहुत सिंपल यूज है, आई कैन रीड, आई कैन नॉट रीड। मेरे प्यारे मित्र, जो कैन है ना कैन नॉट रीड, इसको क्या लिखने जानते हैं कैन, अब नॉट को ऐसे करके कान, इसको कान भी बोला जाता है, इसको कान भी पढ़ सकते हैं, ठीक कोई दिक्कत नहीं, इसको कान भी पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं इसको कांट, सी ए एन टी कांट, ठीक कैन आई, कैन आई रीड, कैन आई नॉट रीड, व्हाई कैन आई रीड, Why can I not read? मेरे प्यारे मित्रों, हिंदी इसका समझ लीजिए, so, देखिए I can read, मैं पढ़ सकता हूँ, I can't या can not read, I can not read या I can't read, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, can I read, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, can I not read, क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, why can I, मैं क्यों पढ़ सकता हूँ, why can I not read, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, ठीक इतना समझ गए होंगे मित्रों, नोट कर लीजिए, इसके साथ मान लीजिए, अब यहाँ और बताते हैं तरीका, हो गया। चलिए देखिए बहुत जब इंग्लिश इंग्लिश में लिखा गया ना, अंग्रेजी में 35% पैंतीस मतलब जानते हैं 35% ये भूमिका अपना निभाता है, भूमिका मतलब जानते हैं ये नाम योगदान देता है अपना, तुम कहाँ जा सकते हो, अब यहां देखिए तुम कहाँ जा सकते हो, कहाँ आया ना, कहाँ आया नहीं मेरे प्यारे मित्रों, कहाँ आ गया इसको बाहर कर दीजिए, वेयर वेयर कैन, वेयर कैन यू गो, वेयर कहाँ हो गया, कैन यू यू था, यू का यहाँ हो गया, यू गो मीन्स जाना हो गया, वेयर कैन यू गो, अब तुम कब, तुम कब अंग्रेजी लिख
सकते हो। मेरे प्यारे मित्रों तुम अंग्रेजी का लिख सकते हो, यहाँ योग्यता का आया है, योग्यता लिख सकते हो। देखिए लिख रहा है यहाँ योग्यता, मतलब पढ़ाई के लिए रिलेटेड है ना, इसलिए योग्यता। कब इंग्लिश आ गया, कब आया ना, कब को पार कर दीजिए। वेन कैन यू, वेन कैन यू, अब वर्ब क्या है राइट, डब्ल्यू आर आई टी टी, वेन कैन यू राइट। अब क्या लिख रहा है, टी एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश मैन का लिया। ठीक, ये हो गया इतना, ये योग्यता हो गया और ये सब हो गया। अभी हम बता रहे हैं परमिशन लेने और देने की कोशिश करेंगे, आप हर एक तरीका समझ जाए। ठीक, जैसे आया परमिशन वाला, परमिशन देने के लिए, जैसे क्या है परमिशन देने के लिए, तुम घर जा सकते हो। यहां मेरे मित्रों परमिशन का आया ना, आदेश दे रहे हैं ना, किसी को परमिशन दे रहे हैं ना कि जाइए घर, आप घर जाइए, आप घर जा सकते हैं, हुआ ना। तो क्या हुआ, You can go to house. You can go to house. इतना समझ गए। अब मेरे मित्रों परमिशन लेने के लिए समझ लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, हुआ तुम का ही हो गया, अब कैन का ही हो गया, यहाँ स्थान जा रहा है, स्थान जा रहा है ना, किसी स्थान पर जाने के लिए हम तुम का प्रयोग किया जाता है, इसे यहाँ पर तुम का प्रयोग क्यों करें, इतना नोट कर लीजिए, इसके साथ मान लीजिए। चलिए हो गया, ठीक हो गया, ठीक। अब यहाँ परमिशन लेने के लिए क्या मैं आपका बुक ले सकता हूँ। देखिए मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर दो तरीके से लगेगा, एक कैन के बताएंगे, एक दूसरा और बताएंगे। देख लीजिए पहला कैन, परमिशन हुआ ना, कैन आई, वर्ब क्या है, टेक, टेक मीन्स लेना, कैन आई टेक योर, योर मीन्स आपका, बुक मीन्स किताब, यहाँ होता है किताब, किताब बी डबल ओ के। और एक तरीका होता है पर देख लीजिए, मे, इसको मे बोला जाता है, मे आई टेक योर बुक, जिसे बोलते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल और समझिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ फ्री, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ फ्री, यहाँ पर क्या लगेगा, मैं लगा कर बना सकते हैं, मैं आई कम इन, मैं आई कम इन, मैं आई कम इन माय डी ए, कम आई, मैं आई कम इन माय डियर, ठीक, प्रिय मिस माय डियर, कुछ भी लगा सकते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसके साथ मान लीजिए हो गया। मेरे प्यारे मित्रों हम कोशिश करेंगे आपका एक तरीका समझ जाए, जिसे क्षमता व्यक्त करने के लिए आता है, क्षमता, क्षमता के लिए
क्षमता व्यक्त करने के लिए आया हूं, जिसे मैं यह काम कर सकता हूं, मैं यह काम कर सकता हूं। आई कैन लगाएंगे, आई कैन डू, डू मिस करना होता है, दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं। ठीक, इतना हो गया परमिशन लेने के लिए। ठीक, नोट कर लीजिए। हुआ, हम कोशिश करेंगे आप विस्तार से समझ जाएं और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्यारे मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करना भी ना भूलें, हो सके तो कमेंट में भी गुड सर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, और अगला हमारा रहेगा, अगला हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक, जो अगला टॉपिक रहेगा यही चीज है। ठीक, अगला टॉपिक ये रहेगा। और कुछ भी समस्या होती है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कभी भी आपको सलूशन मिल जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा।